अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आपको इसी मंथ में यानी कि ईद से पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप कोई नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं, अभी रुक जाएं, तो बहुत ही ज़्यादा नए फ़ोन पाकिस्तान के मार्केट में आने वाले हैं और बहुत ही अच्छी प्राइस के साथ। तो आज की इस वीडियो में आपको 6 ब्रांड के मैं फ़ोन बताने वाला हूँ, उनकी प्राइस की स्पेसिफिकेशन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, तो पूरा कर देना। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। ये 6 ब्रांड हैं, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग और इन्फिनिक्स के फ़ोन जिसमें शामिल हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियलमी की। रियलमी की 6 सीरीज़ जो कि 11 मई को लॉन्च होने जा रही है, इसमें आपको रियलमी 6 और 6 प्रो देखने को मिलेगा और इसका रियलमी 6i जो कि पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है गेमिंग के लिए मिड रेंज के अंदर। तो रियलमी 6 में आपको G90T का चिपसेट मिलेगा जो कि गेमिंग वाला चिपसेट है और इसमें आपको 6GB रैम और 4GB का ऑप्शन मिल सकता है और इसकी प्राइस 30,000 से ऊपर होने वाली है। नेक्स्ट फोन है वो रियलमी 6 प्रो है जो कि स्नैपड्रैगन के 720G वाले चिपसेट के साथ आएगा जो कि 8 नैनोमीटर वाला चिपसेट है और इसमें भी आपको 6GB रैम, 8GB रैम का ऑप्शन मिल सकता है, 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज के साथ। इसकी प्राइस 40,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। और रियलमी 6i है जो कि 30,000 के करीब आता है और इसमें आपको मीडिया टेक का G80 वाला चिपसेट मिलता है जो कि मिड रेंज में, जो कि बजट गेमिंग चिपसेट है और इसमें आपको 4GB रैम का ऑप्शन मिलता है 128GB की स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट फोन है रेडमी नोट 9S जो कि कंफर्म हो चुका है, कमिंग सून आपको पाकिस्तान में मिलने वाला है, इसी मंथ के मिड में कंफर्म है जो आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको 3GB रैम, 4GB का ऑप्शन मिलता है, 64GB स्टोरेज, 128GB की स्टोरेज के साथ और इसमें आपको जो चिपसेट मिलता है वो सेम रियलमी 6 प्रो वाला है जो कि स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट है, 8 नैनोमीटर पर बेस्ड होने वाला है और अभी ये कंफर्म है रेडमी नोट 9S और इसके बाद आपको रेडमी नोट 9 भी मिल सकता है जो कि मीडिया टेक के G85 चिपसेट के साथ आता है और रेडमी नोट 9 प्रो भी देखने को मिल सकता है जो कि 720G वाले चिपसेट के साथ आता है और इधर आपको कुछ कैमरा में डिफरेंस मिलेगा और शाओमी का मी 10 लाइट भी पाकिस्तान में आने की खबरें आ रही हैं। अगला फ़ोन है वो ओप्पो का A31 है। ये फ़ोन आपको 30,000 की रेंज में मिलेगा जिसमें आपको मीडिया टेक का P35 चिपसेट दिया गया है, 6GB रैम, 128GB का ऑप्शन मिलता है और 4GB रैम, 64GB का ऑप्शन मिल जाता है। अभी ये कंफर्म हो चुका है ओप्पो का A31 और इसके बाद आपको ओप्पो का F15 भी देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो फ़ोन है वो वीवो का है, वीवो V19 जो कि फ्लैगशिप फ़ोन है। अभी ये जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहे हैं वीवो V19 और वीवो V19 प्रो और इसके बाद आपको वीवो Y50 भी मिल सकता है जो कि 30,000 की रेंज में आएगा जिसमें स्नैपड्रैगन का 665 वाला चिपसेट मिलेगा और वीवो V19 में आपको स्नैपड्रैगन का 712 वाला चिपसेट दिया गया है जो कि 60,000 की रेंज में आता है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वाला ऑप्शन हो सकता है और वीवो V19 प्रो जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला चिपसेट मिलता है, इसमें भी आपको 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 256GB की स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट फ़ोन है वो सैमसंग का A31 है जो पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में तो आ चुका है, जल्दी आपको इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और आप इसको बाय कर सकेंगे जो कि मीडियाटेक के P65 वाले चिपसेट के साथ आ रहा है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा और इसके बाद आपको सैमसंग का A51 5G फ़ोन भी इसी मंथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही जल्द आपको 5G फ़ोन भी सैमसंग के मिलने वाले हैं जिसमें A51 5G और A71 5G फ़ोन शामिल हैं। तो इससे पहले आपको A51 और A71 4G वाले वेरिएंट भी पाकिस्तान में मिलते हैं। तो नेक्स्ट फ़ोन है वो इन्फिनिक्स के हैं, इन्फिनिक्स के फ़ोन तो लॉन्च हो चुके हैं, इन्फिनिक्स नोट 7 और नोट 7 लाइट, दोनों ही नोट 7 आपको कंसीडर कर सकते हैं जो कि मीडिया टेक के G70 वाले चिपसेट के साथ आ रहा है, 29,000 की प्राइस में, 6GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है। गेमिंग के लिए ये फ़ोन अच्छा होने वाला है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, तो कैमरा वाइज भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, तो इस फ़ोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।